हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरपोलेशन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको ज्ञात करने की एक विधि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसी पर बेस्ड जो है प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है, निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 10 रुपए से 15 रुपए के मध्य मजदूरी मिलती है। और हमें ये टेबल दे रखी है, मजदूरी रुपए में दे रखी है। 0 रुपए से 10 रुपए से कम मजदूरी 9 व्यक्तियों को मिलती है, 10 रुपए से 20 रुपए से कम मजदूरी 30 व्यक्तियों को मिलती है, 20 रुपए से 30 रुपए से कम मजदूरी 35 व्यक्तियों को मिलती है, 30 रुपए से 40 रुपए से कम मजदूरी 42 व्यक्तियों को मिलती है। तो आपको 10 रुपए से 15 रुपए के मध्य मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है यह ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हम जो है 10 रुपए से कम मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है ये तो हमें पता है टेबल से, 10 रुपए से कम मजदूरी 9 व्यक्तियों को मिलती है। और आपको 10 रुपए से 15 रुपए के मध्य मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है ये ज्ञात करना है। तो हम 15 रुपए से कम मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है यह ज्ञात करेंगे, ठीक है। जब हमें 15 रुपए से कम मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है यह ज्ञात हो जाएगा तो उसमें से 10 रुपए से कम मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है वो घटा देंगे। तो हमें 10 रुपए से 15 रुपए के मध्य मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप, 15 रुपए से कम मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है यह ज्ञात करेंगे, उसमें से 10 रुपए से कम मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमें 10 रुपए से 15 रुपए के मध्य मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिए, हमें इंटरवल के रूप में दिया गया है और ये कंटिन्यूअस इंटरवल हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40 कंटिन्यूअस हैं। यहां एक चीज आप ध्यान देने की बात है, जैसे 10 यहां पर भी है और 10 यहां पर भी। आपसे कहा जाए कि 10 रुपए जो मजदूरी मिलती है वह व्यक्ति किसमें शामिल है, वह व्यक्ति इसमें शामिल होगा 10 रुपए, ठीक है। यह हमारा 10 रुपए से कम, ये एक तरह से ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो 10 रुपए मजदूरी जिस व्यक्ति को मिलती है वह इसमें शामिल है। 20 रुपए मिलने वाले व्यक्ति जो है इसमें शामिल है 20 रुपए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये चीज। और आपने एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता पढ़ी होगी, उसका यहां पर यूज होगा और उसका यूज करके हम टेबल बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप देखिए, यहां ले लेंगे मजदूरी रुपए में एक्स, उसको एक्स मान लेंगे और व्यक्तियों की संख्या को एफ एक्स मान लेंगे। यहां पर हमें इंटरवल के रूप में दे रखी है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 रुपए से कम मजदूरी, 10 रुपए से कम, यहां पर 20 रुपए से कम, यहां 30 रुपए से कम और 40 रुपए से कम, इस प्रकार से x के मान लिख लेंगे। समझ गए होंगे, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 और लेस देन 40। अब fx का मान कैसे लिखेंगे, 10 रुपए से कम मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है 9, तो यह 9 आ जाएगा। 20 रुपए से कम मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है, 20 रुपए से कम, तो 20 रुपए से कम मजदूरी में ये वाले भी शामिल हैं, तो यहीं पर हमारी संचयी बारंबारता का यूज होगा। तो 20 रुपए से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या 9 प्लस 30 होगी, 39। 30 रुपए से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या 30 रुपए से कम, तो 30 रुपए से कम मजदूरी वाले मिलने वालों की संख्या ये जो है 9 प्लस 30 प्लस 35, इनको जोड़ देंगे यानी कि 74 होगी। 40 रुपए से कम मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है, 40 रुपए से कम में ये सब शामिल हो जाएंगे, 9 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 42, 116 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका जो है डिफरेंस टेबल किस प्रकार से बनाएंगे, डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस देखिए आप, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स 39 में से 9 माइनस कर देंगे 30, 74 माइनस 39 35, 116 माइनस 74 42।
दो कॉन्जिकेटिव मानों का डिफरेंस लेना है। दूसरे मान में से पहला घटाइए, तीसरे में से दूसरा घटाइए, चौथे में से तीसरा घटाइए। इसी प्रकार से हम सेकेंड डिफरेंस जो है फर्स्ट डिफरेंस से ज्ञात करेंगे। इसी तरह से निकालेंगे 35 माइनस 35, 42 माइनस 35, 7। थर्ड डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस से आएगा, 7 माइनस 5, 2। ठीक है, ये कांस्टेंट मान है। फोर्थ डिफरेंस का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड डिफरेंस तक बनेगी। यहां पर हमें चार मान पता है, 1, 2, 3, 4, तो थर्ड डिफरेंस तक जाएगी, बशर्ते इनके मान पूर्व में कांस्टेंट नहीं आए। जैसे यहां पर 5, 5 आ जाता तो फिर ये 0 हो जाता। थर्ड डिफरेंस तक टेबल बनेगी। अब थर्ड डिफरेंस तक का न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला काम में लेंगे। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एफ एक्स इक्वस टू एफ ए प्लस एच यू इक्वस टू एफ ए प्लस यू सी वन डेल एफ ए प्लस यू सी टू डेल्टा टू एफ ए प्लस यू सी थ्री डेल थ्री एफ ए। यू सी वन का मान यू अपॉन फैक्टोरियल 1 होता है, यू सी टू का मान यू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, यू सी थ्री का मान यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस तक फॉर्मूला लिख ले, क्योंकि थर्ड डिफरेंस तक टेबल है, वेयर यू इक्वस टू एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यू का मान ही ज्ञात करते हैं, यू इक्वस टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। एक्स क्या चीज है, हम एफ 15 पर मान ज्ञात कर रहे हैं, तो एक्स का मान 15 होगा। ए प्रथम मान होता है टेबल से, प्रथम मान 10 है, ए का मान 10 अपॉन एच। अंतराल कितने का है यहां से देख सकते हैं, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो यहां देख रहे हैं 10 का डिफरेंस है, 30 माइनस 20, यहां पे भी 10 है, 40 से -30 10 है। समान अंतराल के हैं, कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है, तो एच का मान 10 हो जाएगा। 15 माइनस 10 5 अपॉन 10 दैट इज 0.5, ये किसका मान हो गया, यू का। तो यू का मान हमें ज्ञात हो गया, एफ ए और डेल एफ ए डेल्टा टू एफ ए डेल थ्री एफ ए का मान टेबल से ज्ञात होगा। एफ ए का मान ए के संगत मान, ए प्रथम मान होता है, ये ए का मान है, ये एफ ए का मान है, ये डेल एफ ए का मान है, ये डेल्टा टू एफ ए का मान है, ये डेल थ्री एफ ए का मान है। ठीक है, ए का मान कितना है 10, एफ ए का मान कितना है 9, डेल एफ ए का मान 30, डेल्टा टू एफ ए का मान 5, डेल थ्री एफ ए का मान 2। ये सभी मान हमें ज्ञात हैं, ये मान यहां रख देंगे। एफ 15, इसका मान भी ज्ञात करोगे तो 15 ही आएगा, ए का मान पता है, एस आपको मालूम है, यू पता है, तो इसमें टाइम वेस्ट मत करो। ये एक्स का मान होता है, तो एक्स हमारा 15 है, इक्वस टू आप हल करेंगे तो ये 15 आएगा, करके देख सकते हो आप। एफ ए 9, यू का मान 0.5। तो ये सभी मान इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर दें, और इसकी जो है कैलकुलेशन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें, साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी गणना करें। गणना करने के पश्चात आप देखेंगे कि हमें एफ 15 का मान 23.5 प्राप्त हो रहा है। यहां पर व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, व्यक्तियों की संख्या कभी पॉइंट में नहीं हो सकती है, अर्थात 23.5 व्यक्ति, तो इसको राउंड फिगर में लेना पड़ेगा। तो राउंड फिगर में लेंगे तो ये हो गए 24 पर्संस। तो 24 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 15 रुपए से कम मजदूरी मिलती है। तो 15 रुपए से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या 24 है, 10 रुपए से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या 9 है। तो हम 10 रुपए से 15 रुपए के मध्य मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एफ 15 माइनस एफ 10, 24 माइनस 9 दैट इज 15 पर्संस। तो 15 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 10 रुपए से 15 रुपए के मध्य मजदूरी मिलती है। तो समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना करके न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, यहां पर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज में किया गया है, क्योंकि यहां पर आपको पता है 15 रुपए पर आपने निकाली 15 रुपी, और 15 रुपए जो है हमारे 15 जो है हमारे रुपए, ये प्रारंभिक चरों के नजदीक आएगा। आप देखिए यहां पर आता है शुरू में 15, तो यदि प्रारंभिक चरों के नजदीक हो तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी हमारा फॉरवर्ड ही कराया है हमने, तो फॉरवर्ड के क्वेश्चंस करा रहे हैं। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं जिसको आप समझिए, बिल्कुल सेम इसी तरह का है।
निम्न सारणी से उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंक 45 से कम हैं। 45 से कम अंक कितने विद्यार्थियों को मिलते हैं ये ज्ञात करना है। यहां पर अंक दे रखे हैं, 30 से 40 से कम अंक 31 स्टूडेंट्स के हैं, 40 से लेकर के 50 से कम 42 स्टूडेंट्स के हैं, और 50 से लेकर के 60 से कम 51 छात्रों के हैं, 60 से लेकर के 70 से कम 35 छात्र के हैं, और 70 से लेकर के 80 से कम 31 स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, तो आप आपकी जो है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप बना सकते हैं। तो आप देखिए ये हमारे इंटरवल के रूम में दे रखे हैं, तो इंटरवल के रूम में दे रखे हैं, तो पहले हम लिखेंगे 40 से कम, क्योंकि यहां 40 से कम, 40 जो है वो इसमें शामिल है 40। तो 40 से कम अंक कितने स्टूडेंट्स के हैं, 31। 50 से कम अंक कितने स्टूडेंट्स के हैं, 50 से कम वाले में ये भी शामिल हो गए, तो 31 प्लस 42, संचयी बारंबार तो निकालेंगे, एफ एक्स का मान 31 प्लस 42 यानी कि 73 हो जाएगा। 60 से कम में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और ये भी है, तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने पर 124 प्राप्त हो जाएगा। 70 से कम, 70 से कम जो है 31 प्लस 42 प्लस 51 प्लस 35 यानी कि 159, और 80 से कम अंक कितने छात्रों के हैं, तो 80 से कम वाले में ये सब शामिल हो जाएंगे, तो इन सब का योग करेंगे, तो इन सबको जोड़ लेना, 31 प्लस 42 प्लस 51 प्लस 35 प्लस 31 यानी कि 190 आ जाएगा। अब अपन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। तो एफ एक्स के मान संचयी बारंबारता की तरह से ज्ञात किए गए हैं, तो अब हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये दो कॉन्जिगेटिव मानों का डिफरेंस है, 73 माइनस 31 में से घटा देंगे तो 42 आ जाएगा, 124 माइनस 73 51, 159 माइनस 124 35, 190 माइनस 159 31। सेकेंड डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस से आएगी, ऐसे ही 51 माइनस 42 9 आ गया, 35 माइनस 51 माइनस 16, 31 माइनस 35 माइनस 4। थर्ड डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस से इसी तरह से मानों को घटा करके निकाल सकते हैं, तो इस तरह से ये डिफरेंस टेबल बना लेंगे। फोर्थ डिफरेंस तक बनी, कहां तक, फोर्थ डिफरेंस, ए का मान कितना है यहां पर 40, फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो ए का मान कहलाती है। एच का मान कितना है, कितने कितने का अंतर है यहां पर, 10 10 का अंतर है, इक्वल इंटरवल है सभी, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, सब में 10 का अंतर है, एच का मान कितना है 10, ए का मान 40, ये किसका मान है, एफ ए, एफ ए का मान, ये मान डेल एफ ए, डेल्टा 2 एफ ए, डेल्टा 3 एफ ए और डेल्टा 4 एफ ए। ठीक है, तो हमें 45 से कम, 45 से कम स्टूडेंट्स, 45 से कम अंक कितने स्टूडेंट्स के आए हैं वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो 45 से कम यहां पर आ रहे, ये प्रारंभिक चरों के नजदीक है, तो फॉरवर्ड जो है इंटरपोलेशन फॉर्मूला ही काम आएगा इसमें, तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिख लें, इसको फोर्थ डिफरेंस तक लिखना है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस यू सी वन डेल एफ ए प्लस यू सी टू डेल्टा 2 एफ ए प्लस यू सी थ्री डेल 3 एफ ए प्लस यू सी फोर डेल 4 एफ ए, वेयर यू इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है, जहां यू का मान एक्स माइनस ए अपॉन एक्स अननोन, तो 45 माइनस ए 40 अपॉन 10, तो इसको हल कर लें 0.5 आएगा, तो यू का मान ज्ञात हो गया, बाकी सब मान अपन को पता है। एफ ए का मान, एफ ए का मान कितना है 40, सॉरी एफ ए का मान, ए का मान 40 है, तो इसके संगत मान 31, ये एफ ए का मान है। डेल्टा 2 एफ ए, डेल्टा एफ ए का मान, भाई एक बार पुनः देखिए, ए का मान कितना है 40, एफ ए का मान कितना है 31, डेल एफ ए का मान कितना है 42, डेल्टा 2 एफ ए का मान कितना है 9, डेल 3 एफ ए का मान -25, डेल 4 एफ ए का मान 37, तो ये सब मान यहां रख देंगे और इनको हल करेंगे, कैलकुलेटर के द्वारा हल कर लेना। तो एफ 45 का मान हल करने के पश्चात हमारा 47.8672 प्राप्त हो रहा है। 45 से कम अंक जो है 47.8672 स्टूडेंट्स से आ रहे हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, इसको राउंड फिगर करना पड़ेगा,
ठीक है, 47.8 का राउंड फिगर करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अंक 45 से कम प्राप्त हुए हैं। तो यही हमें ज्ञात करना था। यह है क्वेश्चन, पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां सिर्फ 45 से कम अंक कितने स्टूडेंट्स के आए वो ज्ञात करना था। तो 48 स्टूडेंट्स हैं। यदि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं कहूं कि 40 से 45 से कम अंक कितने स्टूडेंट्स के आए तो वो निकाल सकते हैं। 45 से कम हमें पता है 48, और 40 से कम अंक कितने स्टूडेंट्स के, 31। तो 48 में से 31 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अंक 40 से 45 के मध्य हैं। ओके, अब आप समझ गए होंगे। इस तरह की अन्य प्रॉब्लम जो है वो भी हल करके देखें। थैंक यू।